Hi guys, welcome back to Be Natural. आज एक हट के टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हर बार की तरह. तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इसके बारे में बता दो. मैंने बहुत सारे ब्रास के बारे में बताया, ब्रा कैसे पहनना है, कब पहनना है, सोते टाइम, उठते टाइम, ऑफिस जाते टाइम, तो हर वैरायटी दिखा दी. आज मैं आपको बताती हूँ स्टिक ऑन ब्रा के बारे में. तो स्टिक ऑन ब्रा के बारे में आई थिंक बहुत सारी लड़कियों को पता होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा. प्लीज़ कॉमेंट करके वीडियो देखने से पहले ही बता दो कितनी लड़कियों को पता है स्टिक ऑन ब्रा क्या होता है, कैसे यूज़ करना है और इसके बारे में सब कुछ किसको पता है. चलो आगे मैं बताती हूँ. स्टिक ऑन ब्रा के बारे में 3 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था. 3 साल बाद मुझे पता चला स्टिक ऑन ब्रा नाम की चीज़ आती है. हाँ, मैं थोड़ी लेट हो गई इस बारे में, लेकिन अब नहीं पता था तो नहीं पता था. तो अगर मेरी जैसी कोई लड़की है जिसको नहीं पता कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको बता देती हूँ. ये स्पेशलाइज्ड ब्रा होती हैं जिनके अंदर कोई स्ट्रैप नहीं होता है. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होती है स्टिक ऑन ब्रा. इसके अंदर कोई भी स्ट्रैप नहीं है. अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो कोई स्ट्रैप नहीं है. तो आप ये ब्रा पहनोगे कैसे, कितनी डिफरेंट ब्रा है. इसको पहनने के लिए मतलब ना पीछे से कोई हुक है, ना ऊपर से होल्ड करने के लिए कुछ है. तो इसको कैसे पहना जाएगा. अगर आपने रेड कारपेट पे वॉक करने वाली सेलिब्रिटीज़ को, एक्ट्रेसेस को देखा होगा कि वो कुछ इस तरह के कपड़े पहनती हैं जो बिल्कुल हॉल्टर ऑफ शोल्डर बैकलेस ड्रेसेस होती हैं उनकी, तो आप सोचते हो कि इन्होंने ब्रा कैसे पहनी और कौन सी ब्रा पहनी है कि नज़र ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने अंदर पहना क्या है. तो एक्चुअली उन्होंने कुछ इस तरह की ब्रा पहनी होती है जो कि नज़र ही नहीं आती है. तो इसको कैसे पहनना है वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ. तो यहाँ पे पन्नी लगी हुई है. इस पन्नी को अगर आप ऐसे निकालोगे तो इसके अंदर ग्लू लगा हुआ है. ये बहुत स्टिकी सा है. आप देखोगे, ये देखो मेरी स्किन के साथ कैसे स्टिक हो रहा है. ये दिख रहा है आपको. तो ये ग्लू होता है जो आपकी स्किन के साथ स्टिक हो जाता है. तो इस पन्नी को इस तरह से आप निकाल लोगे और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई ग्लू नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन आपके निप्पल्स को कवर करता है और बाकी का ये जो पोर्शन है आपके सारे ब्रेस्ट के एरिया को कवर करता है. और आप देखो इसके अंदर का ग्लू, ये मैं आपको अपना हैंड स्टिक करके दिखा रही हूँ. ये कुछ इस तरह से आपके ब्रेस्ट के ऊपर ये स्टिक हो जाता है और ये हिलेगा नहीं. ये देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा ना, गिर नहीं रहा. अब मैं इसे अपने हाथों पे स्टिक करके आपको दिखाऊंगी. देखो हाथों की स्किन और ब्रेस्ट की स्किन है तो स्किन ही ना, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. तो आपको ये वाला डेमो दिखा देती हूँ, आप समझ जाइए. इस तरह से ये चिपकेगा, गोंद आपको नज़र आ रहा है लेकिन आपको स्टिकी स्टिकी फील नहीं होगा. तो इस तरह से ब्रेस्ट के ऊपर मान लीजिए आपने लगा दिया है, आप दौड़ रही हैं, चल रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करना चाह रही हैं आप इजीली कर पा रही हैं और ये नहीं गिरेगा, जैसा कि डेमो में मैं आपको दिखा रही हूँ. इसको मैंने भी एक आध बार पहना है और सारी एक्टिविटीज़ की हैं इसको पहनने के बाद, पर ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है. तो ये बहुत अच्छे से चिपक के रहेगा आपके स्किन के साथ और जब तक आप इसको ऐसे खींच करके ना निकाल दें निकलेगा नहीं. और निकालने के बाद आप ऐसा ना सोचें कि हाथ में गोंद इसकी लग जाएगी, स्टिकी स्टिकी होगा, नहीं, स्किन वैसे ही रहेगी जैसे लगाने से पहले थी. तो ये पास से आप क्लोजअप देख लीजिए, इसका ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, क्वालिटी इसकी अच्छी लगी मुझे. और यूज़ करने के बाद आपको इस तरह से दोबारा से पन्नी लगा देनी है. पन्नी नहीं लगाओगे तो इसका ग्लू ख़राब हो जाएगा. अच्छे से पन्नी लगा के पैक करके रख दो और स्पेशल ओकेशंस पे दोबारा आप इसको अच्छे से पहन सकते हो. तो है ना ये मैजिकल ब्रा, और उस ओकेजन के लिए ये ब्रा परफेक्ट है जब आप बैकलेस या ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रहे हो और आप नहीं दिखाना चाहते हो अपनी ब्रा को. हाँ, लेकिन इसको पहनते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है. अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करती है, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा देर तक ये होल्ड नहीं कर पाएगा, इसका गोंद निकलने लग जाएगा. और इसको आप सिर्फ 12 से 15 बार ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद इसका ग्लू ख़राब हो जाएगा क्योंकि आप इसको वॉश नहीं कर सकते हो. तो फिर स्मेल भी आने लग जाएगी, तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा यूज़ करने का, फिर आपको नया परचेज करना पड़ेगा. वैसे ये लिया मैंने सरोजनी नगर मार्केट से था, मुझे हार्डली ये 300 के आसपास का कुछ पड़ा था. ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा या ब्रास के जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, पर वहाँ थोड़ा महंगा मिल सकता है. मैंने ये रोड साइड से वैसे लेना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने लिया क्योंकि क्वालिटी इसकी मुझे वाकई में अच्छी लगी. तो सरोजनी नगर जाओगे तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना. और इसको सिर्फ 15 बार पहन सकते हो. वैसे भी आए दिन कौन बैकलेस ड्रेस रोज़ पहनता है. हम किसी बड़े से ओकेजन पर ही जब एकदम सेक्सी सी ड्रेस पहननी होती है तभी ऐसी ब्रा लेते हैं. तो आई थिंक एक साल भर ही आपका चल जाएगा. तो ये तो थी मेरी वीडियो मैजिकल ब्रा के बारे में. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना. फेसबुक, व्हाट्सएप और जितना भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है हर जगह शेयर करना ना भूलें. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में. पसंद आया हो तो कमेंट करें. आप लोगों में से कितने लोगों ने यूज़ किया है प्लीज़ बताओ. मैं आपसे मिलती हूँ.